पाकिस्तान के 27 साल के सऊद शकीर और भारत के 25 साल के सरफराज खान, दोनों ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, शकील खब्बू तो सरफराज राइट हैंडर। फटाफट क्रिकेट के दौर से अलग सऊद और सरफराज दोनों ही लंबे फॉर्मेट के क्लासिकल प्लेयर्स माने जाते हैं, यानी टिककर खेलने का टेम्परामेंट जो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। शकील और सरफराज ऐसे बैट्समैन जो सस्ते में अपना विकेट देना पसंद नहीं करते, कुछ ऐसा समझिए कि चेतेश्वर पुजारा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए हाल फिलहाल के वर्षों में जो करते आए हैं। जुलाई 2023 तक शकील 6 टेस्ट खेल चुके हैं और 12 पारियों में 3 बार नॉट आउट रहकर 818 रन बना चुके हैं। श्रीलंका में हाल में संपन्न पहले गाल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में पहली पारी में शकील ने 208 नॉट आउट और दूसरी पारी में 30 रन बनाए। इसके अलावा शकील 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। आलम यह है कि 6 टेस्ट के बाद शकील का औसत 90.88 का है। कम से कम 10 टेस्ट पारी खेलने वाले प्लेयर्स की बात की जाए तो औसत में शकील से सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ही ऊपर हैं। लेकिन अभी शकील की तुलना ब्रैडमैन से करना बेमायने है, क्योंकि इसके लिए शकील को आगे भी ऐसे ही कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। डॉन ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट की 80 पारियों में 6,996 रन बनाए थे। ये तो हो गए पाकिस्तान के सऊद शकील। अब करते हैं भारत के सरफराज खान की बात। मुंबई का ये खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में लगातार 3 सीजन से बैट से उम्दा प्रदर्शन कर रहा है, जो भारत की टेस्ट टीम में उन्हें जगह दिलाने के लिए बिल्कुल माकूल बैठता है। लेकिन अभी तक उन्हें नेशनल टेस्ट कैप पहनने का मौका नहीं मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक सरफराज और शकील के प्रदर्शन की तुलना करें तो सरफराज कहीं आगे खड़े नजर आते हैं। शकील ने अब तक 66 फर्स्ट क्लास मैचों में 111 पारियां खेलकर 54.06 की औसत से 5,082 रन बनाए हैं, जिनमें 6 टेस्ट और 5 ओडीआई भी शामिल हैं। शकील के फर्स्ट क्लास एवरेज 54.06 की तुलना में सरफराज का फर्स्ट क्लास का एवरेज कहीं ज्यादा 74.14 का है। सरफराज ने अब तक 39 फर्स्ट क्लास मैचों में 58 पारियां खेलकर 3,559 रन बनाए हैं, जिनमें उनका टॉप स्कोर 301 नॉट आउट का है। शकील को 27 साल की उम्र में पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेलने का मौका मिला तो उन्होंने आते ही अपनी उपयोगिता साबित कर दी। ऐसा सरफराज के साथ कब होगा? सरफराज को वेस्टइंडीज के मौजूदा टेस्ट टूर के लिए चुने जाने की बहुत उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो पाई। सरफराज को टीम में ना लिए जाने पर सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली और सबा करीम जैसे पूर्व क्रिकेटर्स ने सेलेक्टर से खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। सुनील गावस्कर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर रणजी ट्रॉफी अब टेस्ट क्रिकेट में चुने जाने का पैमाना नहीं रहा तो रणजी ट्रॉफी खिलाना बंद कर देना चाहिए। सुनील गावस्कर ने एक स्पोर्ट्स वेबसाइट से बातचीत में कहा कि सरफराज खान पिछले 3 रणजी सीजन से लगभग 100 के औसत से रन बना रहे हैं, अब उन्हें टीम में शामिल होने के लिए और क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सऊद शकील जो मौका मिलते ही कर रहे हैं, वैसा ही मौका सरफराज को देने के लिए जागो भारतीय सेलेक्टर्स, जागो। देशनामा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।